नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ जी भगवंत मान साहब, आज तो सुबह सुबह 1984 याद दिलवा दिया पंजाब वालों को। 1984 की याद ताज़ा करवा दी ना सुबह सुबह। सच में सही बोला था बाबा राजा राज सिंह ने आपके बारे में कि आप हो भूत चढ़ी। इतना करने के बाद भी आपके अंदर सुधार नहीं आ रहा। लोगों को उलझा देते हो दूसरे मामले में, और आप क्या कार्रवाई करते हो ये सबको पता है। ये कार्रवाई ठीक नहीं है जो आज आपने सुबह सुबह की है ना, जो 1984 की याद ताज़ा करवाई है। और हाँ, एक वो हरियाणा का नेता भाई, किसान नेता जो आपके पंजाब में आ रहा था, पंजाब वालों ने दिल खोल के उसका स्वागत कराया था और उसको चंदा भी खूब दिया था। अब वो क्या बोल रहा है पंजाब के किसानों के बारे में, उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिन शब्दों का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। हम नहीं बोलेंगे उसका, आपको सुनाएंगे दिखाएंगे उसका। वो जो हरियाणा का नेता है ना, जिसको पंजाब में आप नेता बना रहे थे, पंजाब में उसको इतना मान सम्मान दिया गया, और वो क्या शब्द यूज कर रहा है पंजाब के किसानों के बारे में। ऐसे शब्द यूज करना ना शोभा नहीं देता इतनी बड़ी उम्र के आदमी को। आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और हाँ सुनाएंगे भाई, ध्यान से सुन लेना कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले तो भगवंत साहब मान साहब, आपको क्या बोलने, अब मुख्यमंत्री हो आप पंजाब के, एक ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री हो आप जिसके लिए लोग तरसते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन उस सूबे के अंदर अगर मुख्यमंत्री गलत कार्रवाई करता है ना, फिर वही आपको पता है जो आपको ये दिख रहा था कि ये आपके सामने खड़ा हो सकता है, उस बहन ऐसे लगा कर डिब्रूगढ़ चलता कर दिया। ये दिख रहा है कि ये कुछ कर सकता है, उसको झूठा केस लगा के जेल में डाल देते हो। कभी किसी को, कभी लखा से धाना को डाल देते हो, कभी परविंदर जोटा को डाल देते हो। वह परमानेंट आपने डाल ही रखे हैं, जबकि उनके ऊपर इल्जाम कोई नहीं है। ऊपर से अभी तो जथेदार साहब का भी बरी हो गए हैं केस से। जथेदार साहब पहले ही बता रहे हैं, गुजड़ साहब अपनी हरकतें ठीक करो। क्या हुआ था आज की घटना सुनना भाई थोड़ा ध्यान से। सुल्तानपुर लोधी जालंधर में है ना शायद, अब मैं आज सुबह सुबह 1984 याद ताज़ा करवा दी। पुलिस और निहंग सिंह के बीच में हुई झड़प, ध्यान से सुनते जाना। गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व पर भगवंत मान, जिसको बुच्चड़ बोलते हैं, बुच्चड़ी लिखा हुआ है, कि गुरुद्वारा पर कार्रवाई, आप अरदास करने से भी रोकते हो, ये भी याद रखना। याद रखा जाएगा सब कुछ कि आप अरदास भी नहीं करने देते लोगों को। इससे बड़ा तो शायद कोई बुच्चड़ बना करने। एक चीज बताओ भाई पहले तो मेरे को, आज ये सरदार जी है भी या नहीं है, ऐसे झूठी पगड़ी बांध के घूमता है। मैं तो इसको बड़ा अच्छा आदमी मानता था, भगवंत मान को मैं बहुत अच्छा आदमी मानता था। हालांकि है ये कॉमेडियन, कॉमेडियन बर्बाद ही करता है ये याद रखना, लेकिन इसको बड़ा अच्छा मानता था मैं भाई। ये तो बड़ा भाई यार सीधी टक्कर लेता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अंदर से इतना काला है। ये तो दिल्ली का गुलाम है, दिल्ली के इशारे पर चलेगा, ये हमारे को नहीं पता था। 1984 में भी गुरुपुरब पर ही दरबार साहिब पर अटैक किया गया था, याद होगा या नहीं? याद होगा, 1984 में गुरुपुरब पर ही किया गया था ताकि लोग इकट्ठा हो जाए, और फिर अटैक किया गया था। वो भी सोची समझी साजिश थी। उसके बारे में कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसकी भी डिटेल बहुत खतरनाक है। वो किस, ये मत समझना 1984 में अटैक किया था, 1984 में साजिश रची गई थी। साजिश तो पता नहीं कब से शुरू हो रखी थी, 1956-60 से शुरू हो गई थी साजिश तो, कि हाँ इनको रोकना है। और जो ये जरायम पेशा बोलते हो ना जिनको, ये जरायम पेशा ही है जो तुम्हारा काम चला रहे हैं। नहीं तो ना, अभी तो 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के ऊपर जिंदा हैं, 140 में से ना 130 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। 130 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे अगर गुरुद्वारा साहिब ना हो ना, तो 130 करोड़ लोग भूखे मरेंगे, ये याद रखना आप। पुलिस ने सुबह 4 बजे कार्रवाई शुरू की और आंसू गैस के गोले चलाए। किस खुशी में चलाए? भगवंत मान साहब आप शायद यही धमकी दे रहे थे ना आप, कि आप कोई मिलेगा ही निकट करने वाला, आओ मेरे ऑफिस में आओ। कौन से ऑफिस में आए एक बार बताना, कौन से ऑफिस में सुबह सुबह नियत थे लोगों के ऊपर आप आंसू गैस के गोले चला रहे हो? गुरुपुरब पर पुलिस कार्रवाई को बाद में कर सकती थी, और बैठकर बात भी कर सकती थी। नहीं कर सकते थे क्या बैठकर बात कर सकते थे आप? एक तरफ तो बोलते हो कि आपके पास कहाँ से फोन आते हैं, वो फोन बताना एक बार, फोन कहाँ से आते हैं इसके पास? क्या बोल रहा था? सऊदी अरब से, कि हम यहाँ पे ऊँट चरा रहे हैं, हम तंग हैं। पता है आपके वीडियो के बाद क्या हुआ पंजाब में? और मुद्दे बहुत, उनको हल कर दो, किसानों के मुद्दे, जवानों के मुद्दे। इसके बाद है ना, पहले तो वो ऊँट ही चरा रहे थे, लेकिन तेरा वीडियो बनने के बाद है ना, बेचारों को बकरी चरानी पड़ रही है। तेरे एक वीडियो के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है, नहीं तो देख लो आप, खुद सुन लो। बकरियां जा रहे हैं, मेरी गल साहब जी ने ना होई भी सी भी भाई मैं पंजाब ते साडा सीएम है जेड़ा भगवंत मान है, ये कहंदे फिर पुत तेन असि ऊंट भी नहीं दिंदे, तू बकरियां जा रहे। पहले ऊँट तो चरा रहे थे, अच्छे पैसे मिलते थे, बकरियां चरा रहे हैं। जब उनको ये पता लगा कि उनका सीएम भगवंत मान है। अब सुनना भाई जरा अपने हरियाणा के किसान नेता के दो बोल, आप लोगों के
किसानों के लिए, किसान नेताओं के लिए। ये नेता बनने के लिए आते पंजाब में, डिटेलमेंट बाद में बताएंगे, पहले दो बोल सुनो इनके। गुरनाम चढ़ोनी हरियाणा में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब में आपकी पार्टी है, आपने चुनाव लड़ा था। देखिए वो पार्टी तो भी जो है हमने बंद कर दी थी, कोई काम उस पर नहीं किया था क्योंकि पंजाब में को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। और उसका कारण ये था कि पंजाब में जो किसान संगठन थे उन किसान संगठनों ने हमारा विरोध कर दिया था। और हालांकि उन्होंने मंदबुद्धि दिखाई थी इस पर, क्योंकि हर आंदोलन से एक राजनीति निकलती है और ये पहला आंदोलन था जिससे किसान राजनीति निकलनी थी। और किसान राजनीति निकलती तो किसान के पक्ष के कानून बनते, जो हमारे कुछ बुद्धिहीन नेताओं ने जो उन पे ब्रेक लगाई, हमारा विरोध किया। सभी ने नहीं किया, कुछ ने विरोध नहीं किया, न्यूट्रल रहे। जो न्यूट्रल रहे उनका तो कोई बात मान सकते हैं, लेकिन जिन्होंने विरोध किया वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के दल्ले थे। जी क्या शब्दों का चयन किया है, क्या शब्दों का चयन किया गया है। अगर इसको वहाँ पे आप लोग नेता तो बना देते तो पंजाब के लोग अच्छे थे, पंजाब के सभी किसान किसान नेता सभी अच्छे थे। अगर इसको इसने तीन चार बार चुनाव लड़ दिया, अभी हरियाणा में फिर चुनाव लड़ रहा है, 2024 में हरियाणा में फिर चुनाव लड़ रहा है, इसकी तीन चार बार तो जमानत जब्त हो ली, ये तो पता नहीं ये कब तक अपनी जमानत जब्त करवाएगा। लेकिन ये याद रखना, जितने किसान आंदोलन में थे ना वो सभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अभी खुलने लगे ना धीरे धीरे पड़ते हैं, इन लोगों ने तो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए चुनाव, ये थे वो नेता जो किसानों की अगुवाई कर रहे थे, ये है वो नेता। और अभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है पंजाब वालों के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग, राजनीतिक दल ले, क्या शब्द है, बुद्धिहीन मंद बुद्धि। वो तेज बुद्धि के थे, तेरी वहां पर जमानत जब्त करवा दी, नहीं तो तू वहां पर पैर जमा जाता ना, तो पता नहीं उनको कहां से कहां बेच देता। एक तो पहले ही लिया दिया नहीं पड़ रहा, वो बूचड़ दिया दिया नहीं पड़ रहा पंजाब वालों को, वो ही पता नहीं कब क्या कर देता, कभी किसी पे कार्रवाई कर रहा कभी किसी पे। जैसे ही दिल्ली से इशारा होता है इस रोबोट का बटन ऑन हो जाता है, हर ये कार्रवाई कर देता है, कभी किसानों पे, कभी टीचरों के ऊपर, कभी जो नशा छुड़वा रहा है उसके ऊपर। भाई इस बुच्चड़ का बैठ के इसने आराम से बुला लो, कट इकट्ठा करो और इस बुच्चड़ को बुलाओ। वैसे तो अगर जथेदार साहब बाहर आ जाते हैं और अकाल तख्त साहब के ऊपर बैठ जाते हैं तो जथेदार साहब पहला काम अगर आप आते ना बाहर यही करना, इसको बुलाना एक बार अकाल तख्त साहब के सामने, आ जा भाई एक बार, बता तेरे मन में क्या है, तू कब तक दिल्ली के इशारों पे चलेगा, इसे पूछना जरूर। ये राजनीतिक पार्टी हरियाणा में पैर पसारना चाहती है, ये जो जिसको आम आदमी बोलते हैं, खास आदमी पार्टी बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, यहाँ नहीं मेरे भाई, बारह बीघे में भी दाना हरियाणा में, हरियाणा वाले समझ गए, ये जितने किसान नेता बने घूम रहे हैं, या तो किसान नेता बनो या राजनीतिक नेता बनो, खुले शब्दों में सीधा, इनसे बच कर रह जाना। ये वो सांप हैं जो आज दिन में नहीं गले के अंदर रहते हैं, टक दही काट लेंगे, और कहाँ काटेंगे, दिमाग की नस के ऊपर काटेंगे। ये याद रखना, इनको चाहिए कुर्सी, कुर्सी के भूखे लोग हैं ये, कोई किसान नेता नहीं है। और ये जितने और घूम रहे हैं ना, कोई कुछ बनाया और कोई कुछ बनाया, ये सभी चुनाव लड़ेंगे, सभी के सभी, कदे क्या है का नेता बन जाए, कोई कदे किसाना का, कदे जवाना का, कदे टेलीविजन का नेता बन जाए, हर कदे साइंटिस्ट बन जाए, हर कदे टीचरा का नेता बन जाए, ये सब चुनाव लड़ने वाले हैं। सीधे साफ शब्द हम बता रहे हैं, हम इन चुनाव लड़ने वालों से सावधान, क्योंकि जिन लोगों को कुर्सी दिखाई देती ना उनको फिर ना कुछ नहीं दिखाई देता ना, ये सच बोल सकते, बातों को घुमा कर बोलेंगे, फिर ये घुमा कर बोलेंगे बातों को। जिसको ये वीडियो चाहिए बता देना भाई, व्हाट्सएप पर आपके पास वीडियो भेज दें, वीडियो बहुत हैं, जिसको चाहिए बता देना। ये जितना महानुभवी जो ये बातें बोल रहा है ना, इस महानुभवी बातों को थोड़ा फैलाना जरूर, वीडियो को शेयर जरूर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बनाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।